कक्षा दसवीं के सभी विद्यार्थियों जिसका आपको इंतजार था, जी हाँ 5 फरवरी के लिए आपको बहुत ही इंतजार कर रहे थे। तो देखिए हिंदी का पेपर है, कुछ इस तरह का फॉन्ट रहेगा आपका ये, लेकिन मैं आपको बेहतरीन सा पेपर बता रहा हूँ। वास्तव में यदि इन बच्चों की तरह आपको नंबर चाहिए, देखो फॉन्ट के ऊपर मत जाओ, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉन्ट के ऊपर जाओगे ना तो धोखा खा जाओगे। फॉन्ट कई सारे इस तरह का आपको फॉन्ट भी बता रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में वही प्रश्न पढ़ो कि जो आएंगे। चलिए तो बढ़िया से शुरू करते हैं। और वास्तव में आपको नंबर चाहिए तो ये जो पेपर बता रहा हूँ ना, इसको एक बार आप सोल्व करके चले जाइएगा, है ना। नवाब साहब ने खीरों की पाखों का क्या किया? तो देखिए खिड़की से बाहर फेंक दी थी। वाच्य कितने प्रकार के होते? तो वाच्य होते 3 प्रकार के। बाबूजी जो है ना वो रामायण का पाठ किया करते थे, क्योंकि समय कम है और इसके अकॉर्डिंग अपने को जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है? तुलसीदास। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव, ठीक है, उत्साह। देखो पढ़ो वही कि जो एग्जाम में आए, ठीक है। मैं इसी चीज़ ही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आएगी, ठीक है, चाहे आप पेपर से आने के बाद एक बार मिलान करिएगा, है ना। ठीक है, कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है, किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। भोलानाथ का जो असली नाम है वो है तारकेश्वर नाथ। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। सरोठा छंद में 4 चरण होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति। नेताजी की जो मूर्ति है वो संगमरमर की बनवाई गई थी। यदि हम बात करें जोड़ी की नई अंकों वाली रचना नाटक आदमी जात का आदमी, पतितों के देश में प्रत्येक मजा आएगा, प्रतिधनेक, मैया जाएगी कड़वा तेल लगाती है, योग का संदेश उद्धव, पंचवटी का जाएगा खंड काव्य। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ बेटा, आप तो बढ़िया से मेहनत करो, जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप तो एक बार कंप्लीट करके जाओ, भले अलग से पढ़ो। मैंने कब बोला कि आप मत अलग से मत पढ़ना, पढ़ो, पर ये एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, है ना। शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते? 3। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? देखिए शब्द और अर्थ के संबंध को हम कहते हैं शब्द शक्ति। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए साथी बच्चों को खेलता देखकर? कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? योग का संदेश। वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या मानी गई तो 9। हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो कहानी एकदम राइट रहेगी। यहाँ से अपन थोड़ा सा बड़ा करते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, क्या? बिल्कुल राइट बात है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी, सत्य है। तो यहाँ से देखिए सत्य सत्य आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है इससे अपन इसका सॉल्यूशन बढ़िया से देखते हैं। चलिए तो यहाँ से है ना बढ़िया से क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये सेट ए है, इसका सॉल्यूशन आप तो बढ़िया से देखो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। चलिए इसके बाद में ये बिस्मिल्ला खां को सेना एक मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? फिर इसके बाद में ये यहाँ से हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ है? देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ो वही कि जो परीक्षा में आए, कम मेहनत करो, ठीक है, फिर परिणाम ज़्यादा मिले ऐसा प्रयास करो। पता चल रहा है कि रात रात भर पढ़ रहे हो और आ रहा 2 नंबर की चीज़ें, तो मैं ऐसी ही चीज़ों को बता रहा हूँ कि जो आपकी 5 फरवरी के दिन आ रही है, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना हो गई है। और यदि हम इनकी भाषा शैली की बात करें तो ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें इन्होंने काट दिया है गुड़िया बच्चों ने, तो यशपाल जी का देख लीजिएगा, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ये रचनाएँ हो गई है, रचना के बाद में ये इनकी भाषा हो गई है, ये ले लो पहले तो रचना है, ठीक है, हो गई भाषा हो गई। यहाँ से शैली की बात करें तो बहुत सारी शैली लिखी है, जिसमें से 2 लिख देना, आपके एग्जाम में केवल 2 नंबर का था तो ये प्रश्न है ना, तो कोई भी 2 लिख देना बढ़िया से, है ना। चलिए इसके बाद में ये रहा आपका साहित्य में स्थान, हो गया इतना। चलिए मन्नू भंडारी का है फिर अगले, तो मन्नू भंडारी का देख सकते हैं यहाँ पर, ये फिर भाषा हो गई आपकी, ये रही शैली आपकी, हो गया इतना। शैली में 2 शैली लिखनी खाली है ना, कोई सी भी 2 शैली लिख देना, और साहित्य में ये स्थान हो गया, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें क्या है आपका? मुहावरे हैं, और मुहावरों में दिया गया अंधों का में काना राजा, तो इसका हो जाएगा मूर्खों
के मध्य अंतल अल्प ज्ञान। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये बार बार लग रहा है, मैं बार बार बिल्कुल कह रहा हूँ, है ना, बहुत सारे लोगों के बच्चों को क्या रियल पेपर ही चाहिए। बेटा बेटा रियल पेपर के लफड़े में रहो, अरे डूब जाओगे, बार बार कह रहा हूँ मैं, इन लोगों के भरोसे रहोगे ना, जो जो रियल पेपर नाम से दे रहे हैं ना, आपको डुबा देंगे। कोई ये बच्चे ना कोई फर्जी बच्चे नहीं है, ये परसेंट है, ये बार बार छाती ठोक के इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने मेहनत से बच्चों को करवाया है यहाँ। जो बच्चा वास्तव में, ठीक है, वही बच्चा इस चैनल के साथ जुड़ेगी जिसको वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए। ठीक है, इसी तरह पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, सेट ए के बाद में सेट बी मिलेगा, सेट सी डी ई एफ पढ़ के जाओ। यदि आप सेट ए से डी तक ही पढ़ते हो ना, तो मेरी गारंटी 90% की, और 90 से ऊपर यदि आपको बनानी है परसेंटेज, तो अपन 4 से ऊपर पढ़ो। 60% बनानी तो सेट ए और बी करके जाना है, बार बार बोल रहा हूँ, ये सेट ए ही है। ठीक है, अब आगे आपकी मर्जी यार, जैसा क्यों लगे विचार। परीक्षा से आने के बाद फिर अपना अनुभव बता देना, किसकी बातें सत्य निकली, किसकी गलत। ठीक है, अभी तो आपको लगेगा ऐसा कि नहीं यार, ये तो बिल्कुल आपको फेंका फाकी कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा से आ जाओ, उसके बाद में देखते हैं अपन, है ना भैयू। चलिए, ये कला पक्ष हो गया। यहाँ से सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला, देखिए हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, और कुछ कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। स्क्रीनशॉट भी लेते हैं, आप सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला का ये भाव पक्ष हो गया है। इतनी मेहनत की बच्चों के द्वारा आपने लिखवाया है और आप उसका परिणाम नहीं दे रहे हो, ये गलत बात है ना। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ो। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, ये नहीं है कि यार आप दो लाख रुपए दो, उद्देश्य ये कि आप अच्छे से पढ़ो, बस नंबर अच्छे लेकर। यदि 10 बच्चे भी ये इस चैनल से पढ़कर टॉपर बनते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, संगतकार किन किन रूपों के में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। ये हो गया मिट्टी के गुणधर्म को आप किस प्रकार तरह परिभाषित करेंगे, हो गया इतना। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर है, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। जिन बच्चों को दूसरा सेट नहीं मिल पा रहा है ना, तो वो एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट करेगा, और प्लेलिस्ट में सबसे पहले ही वीडियो आपको मिल जाएगा, एक लॉन्ग वीडियो, उसमें जितने भी सेट है मेरे पास, 6 सेट है, इन सबका सॉल्यूशन उसमें दे दिया है ना। चलिए, इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है, यहां से पढ़ो आत्मकथा और जीवनी में अंतर। इसके बाद में है रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ये है आपका बाल गोविंद भगत, जो है ना खेती बाड़ी करते करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, ये इसका थुआ वाला रहेगा इस तरह का प्रश्न। अब ये जो ऊपर वाला अपन ने देखा ना बाल गोविंद भगत वाला, उसका संदर्भ है ये प्रसंग, ध्यान से देखो आप, तो है ना भाई। ये व्याख्या है, ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसके ऊपर अनुच्छेद लिखना था राष्ट्रीय एकता पर, और आतंकवाद पर आपको संवाद करना है, तो यहां से देख सकते ये इतना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 18 का थोड़ा है ये देख लीजिए, लिख सकते हैं आप, ये सॉरी ये तो 19 हो गया था, 20वां क्वेश्चन देखना अपने को, है ना, 19 तक होगा। उदो तुम अति बड़भागी, अपरस रहत सनहे तगाते नाहिन मन अनुरागी, तो ये आपका यहाँ से देख सकते हैं, ये संदर्भ प्रसंग हो जाएगा यहाँ से, हो गया इतना। ये व्याख्या हो गई है, नाथ संबुधनु भंज निहारा, होयं कहूँ एक दास तुम्हारा, आये सु कहाँ कीन कर मोई, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। इसके बाद देखिए यह संदर्भ रहेगा आपका, प्रसंग हो गया है, और ये भावार्थ रहे, हो गया भैया। ये यहाँ से हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं यह पत्र है आपका, और क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसमें आपका निबंध रहेगा, तो निबंध तो हर एक बच्चों को आता भी है ना। ये आपका ये पर ये देखो आप, तो ध्यान से ये चीज़ें आपके काम की, केवल निबंध तो बच्चों को हर एक बच्चों को आता है। ये देखो 23वां प्रश्न यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर इसका जाएगा ये
संदर्भ से व्याख्या मतलब उसका शीर्षक हो गया, सारांश हो गया, और ये अंत में भाग्यवाद आवरण का नहीं और का, तो ये हो गया इतना। ठीक है भैया, मेहनत करो बेटा, है ना, मेहनत करो। ये मैंने आपको है ना सेट ए बता दिया है ना भैया, सेट के फोंट पर मत जाओ। बहुत सारे बच्चे इस फोंटो को देख के गड़बड़ कर रहे हैं। अरे फोंटो में क्या है, हम ये अभी यहाँ से चिपका चुपका के ये फोंट बना दे, क्या कर लोगे आप? ठीक है, गलत बेकाव में मत आओ मेरे भाई, अच्छे से पढ़ो। वास्तविकता पढ़ना है तो सही व्यक्ति के साथ जुड़ो, आगे आपकी मर्जी है। हम ही कलेक्टर नहीं है, दूसरे के पास भी पढ़ सकते हो, पर इन बच्चों की तरह वास्तव में जिनको बनानी है, ऐसे कम से कम जाना है तो 100 बच्चे भी जुड़ेंगे ना तो बस बहुत है। ऐसे बच्चे जुड़िए कि जिनको वास्तव में परसेंटेज बनानी है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।